हमारे आत्मी क्या साधना उपासना करने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए? क्यों हमारे शास्त्रों में और क्यों हमारे धर्म गुरु इसके लिए मना करते हैं? क्या जो व्यक्ति लहसुन प्याज या मांस मदिरा का सेवन करके साधना करता है तो क्या उसे पाप लगता है? क्या उसकी साधना सफल नहीं होती है? इन सब चीजों के बारे में आज हम आपके लिए विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। हमारे आदमी मांस मदिरा का सेवन करके साधना करना, लहसुन प्याज खा करके साधना करना, इसके अनेक तर्क हो सकते हैं। जो व्यक्ति इन सब चीजों का परित्याग करके साधना करता है और उसने जो उपलब्धियां प्राप्त की है उसका तर्क अलग हो सकता है, और जो व्यक्ति ये मानते हैं कि लहसुन प्याज खाने से क्या फर्क पड़ता है, मांस मदिरा सेवन करने से क्या फर्क पड़ता है, मांस मदिरा पीकर भी हम मंदिर जा सकते हैं, लहसुन प्याज खा करके भी हम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो उनका तर्क क्या होता है? उनसे यदि पूछा जाए कि मांस मदिरा का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए तो वो ये तर्क देंगे कि भाई इससे जो है अर्थ की हानि होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, घर में ग्रह कलेश होती है, बीवी बच्चों का सही तरीके से व्यक्ति ध्यान नहीं रख पाता है। तो ये आम धारणा में सही हो सकता है, लेकिन जिनके पास में अमूलचूल संपत्ति है, जिनके पास में काफी पैसा है, वो मांस मदिरा का सेवन करते उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये तर्क बड़ा बेईमानी होगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं और उनकी आयु बड़ी लंबी रही है, और जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं उनकी आयु कम है। शंकराचार्य 33 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, विवेकानंद का 34 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो फिर अध्यात्म की परिभाषा अलग हो जाएगी। कोई जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता, जो व्यक्ति साधना उपासना करता, उसकी आयु कम हो जाती है। तो इस प्रकार के तथ्य जो है, इस प्रकार के जो हम प्रमाण देते वो होते हैं। मुंगेरी लाल के बारे में एक हमने कहानी सुनी है कि वो 80 वर्ष की आयु में इतना बढ़िया तैराक था कि कोई भी व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। जब पत्रकारों को पता चला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि 80 वर्ष की आयु में भी ये व्यक्ति इतना बेहतरीन तैराक है कि कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाता है, अच्छे अच्छे तैराक इसके सामने फेल हो जाते हैं। तो वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए गए तो उन्होंने पूछा कि इसका रहस्य क्या है। तो उसने बताया कि मैंने इस 80 वर्ष की उम्र में कभी भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया, उसको कभी हाथ लगाया, न मैंने लहसुन प्याज खाया, शुद्ध सात्विक भोजन खाया है, और न ही मैं स्त्रियों के पीछे भागा हूं। तो बोले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बोले रुको, मुझसे भी ज्यादा प्रभावशाली मेरे पिताजी हैं। बोले आपके पिताजी भी? बोले हाँ, उनकी 100 वर्ष की आयु है और उनका घुड़सवारी में कोई सानी नहीं है, घोड़सवारी में कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, इतने बेहतरीन घोड़सवार हैं।
लेकिन एक चीज याद रखना, वो मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, लहसुन प्याज का भी सेवन करते हैं, सब कुछ करते हैं, स्त्रियों के साथ में भी उनके बहुत सारे संपर्क हैं, लेकिन उनकी आयु 100 वर्ष की है और वो ये सब काम करते हैं, और इसके बाद में घुड़सवारी में कोई उनका साथी नहीं है। तो बोले चलिए आपके पिताजी से मिलते हैं फिर, ये तो बड़ी विचित्र बात होगी। तो बोले लेकिन पिताजी आज नहीं मिल पाएंगे। बोले क्यों? बोले वो दादाजी की शादी में गए हैं। बोले आपके दादाजी भी हैं? बोले हाँ, उनकी उम्र 120 साल की है। बोले 120 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं? बोले आप क्या करें? बोले जिस लड़की से प्रेम करते थे वो गर्भवती हो गई, इसलिए मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोग भी बहुत वर्षों तक जीवित देखे गए हैं। फिर इसको मना क्यों किया गया है, इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? जब व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करके साधना उपासना करता है तो वो उस परम सत्ता तक नहीं पहुंच पाता। जब हम उस परम सत्ता के पास पहुंचते हैं, जब मां गायत्री की हम साधना करते हैं और जब हम उसके गोदी में बैठ करके उसका स्तनपान करते हैं, तो वो जो नशा होता है वो इसमें नहीं होता। तो जिस व्यक्ति ने उस चीज को पा लिया है, उसका तर्क होता है कि मांस मदिरा का सेवन करके साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करके साधना करेगा वो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, वो सिर्फ यहीं तक रह जाएगा। आप शराब पिएंगे थोड़ी देर तक के लिए, आपका जो है दिमाग सुन्न होगा, थोड़ी देर के लिए आप सारी दुनियादारी भूल जाएंगे, लेकिन जो परमात्मा के निकट बैठ गया है उसके लिए जो नशा हो जाता है और उसे जो चीज की प्राप्ति होती है, उसमें जो खोता है उसका आनंद ही अलग होता है। उसका आनंद फिर शराब पीने वाला जैसा नहीं रहता। मांस खाने वाले व्यक्ति के अंदर जो है, और लहसुन प्याज खाने वाले व्यक्ति के अंदर क्या होता है, वासना जागृत होती है। आप प्याज खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, आपके मुंह से दुर्गंध आती है, लोग आपके पास में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन जो साधक स्तर का व्यक्ति होगा, जो साधु संत होगा, उसके पास यदि कोई व्यक्ति बैठा है और उसके मुंह से बदबू आ रही है तो लोग कैसे उसके पास में बैठेंगे? उससे उत्तेजना आती है, उससे क्रोध आता है, उससे वासना जागृत होती है। मांस मदिरा खाने से वासना जागृत होती है, और जब इन सब चीजों का सेवन करके जब व्यक्ति ईश्वर के पास बैठता है तो वो ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाता। ईश्वर के पास पहुंचने के लिए व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए, और जब संवेदनशील व्यक्ति होता है और जब वो ईश्वर की आराधना करता है, तब फिर उसको जो नशा होता है, फिर वो कभी भी जो है, कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि जब तक हम पूजा नहीं कर लेते हमें चैन नहीं पड़ती, जब तक हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सो करके नहीं उठते हमें पता नहीं कैसा लगते रहता है। जिस व्यक्ति के लिए इस चीज का नशा हो जाता है, परमात्मा का नशा हो जाता है, वो व्यक्ति के समक्ष जो है फिर सारी चीजें खत्म हो जाती है। और फिर ये नशा ऐसा है ना, तो इसमें कभी क्रोध आता है, न इसमें किसी प्रकार की कोई वासना जागृत होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी में उसको जो है ईश्वर दिखाई देता है। इसलिए मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तर्क अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमने जो कुछ पाया है कि साधना काल में जब साधना करते हैं उस समय जो नशा होता है ईश्वर का, उसके समक्ष सारी नशे फेंकते हैं। जब व्यक्ति मां की गोद में बैठता है और उसका स्तनपान करता है, उस समय उसको जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को वो जीवन पर्यंत नहीं भूल पाता है। साधना का ऐसा नशा हो जाता है कि यदि व्यक्ति प्रतिदिन 4 बजे उठता है तो उसकी 4 बजे नींद अपने आप खुल जाती है, और जिस दिन वो साधना नहीं कर पाता है उस दिन उसे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया है। तो मांस मदिरा का सेवन करने से, लहसुन प्याज के सेवन करने से किसी प्रकार का कुछ पाप लगता है या आपकी साधना असफल हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। आप मांस मदिरा खा करके भी यदि आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो कोई पाप नहीं लगेगा,
लेकिन आपको जो प्राप्त होना चाहिए था, जिस जगह आप पहुंचना चाह रहे थे, जिस नशे की आप तलाश में थे, वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी। आप मंदिर गए और मंदिर में सिर्फ दर्शन करके आ गए और आपको मंदिर का नशा न चढ़ा, तो फिर आपका मंदिर जाना व्यर्थ है। एक व्यक्ति मंदिर जाता है और वो वहां पर जो है खो जाता है। जहां सामूहिक प्रार्थना होती है, वहां लोगों को देखा होगा, वो सारी चीजें भूल जाते हैं कि सिर दर्द कर रहा था, कि भूख लगी थी, कि क्या हुआ था। तो वो जो नशा होता है, उस नशे के सामने ये सब चीजें फीकी है। अन्यथा शराब तो शाकाहारी है, अंगूर का है, अंगूर आप खाते हैं, अंगूर के रस से शराब बनती है, तो शराब पीने से किसी प्रकार का कोई पाप कैसे लग सकता है? लहसुन प्याज खाने से पाप कैसे लग सकता है? हाँ, लेकिन आप जब ईश्वर के निकट बैठे हैं और आप जिस चीज की कामना कर रहे हैं, कोई चीज आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। यदि ईश्वर के पास बैठने से यदि ईश्वर की झलक आपको दिखाई दे दी, ईश्वर का स्पर्श आपको दिखाई नहीं दिया, ईश्वर के प्रति आप आसक्त नहीं हुए, तो फिर वो पूजा आपकी निरर्थक रहती है। इसलिए इन सब चीजों के लिए मना किया गया है कि इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी इन सब चीजों के सेवन करने से किसी प्रकार का कोई पाप लगता है, इस चीज पर कभी हम अपनी स्वीकृति नहीं देते, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता है। हाँ, यह है कि जो नशा आपको मां गायत्री का होना चाहिए, जो नशा आपको परमात्मा का होना चाहिए, वो नशा से आप निश्चित रूप से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि शराब में थोड़ी देर के लिए नशा होता है, लेकिन ईश्वर का नशा स्थायी होता है। और जिसको ईश्वर का नशा चढ़ गया, वो मीरा हो जाती है, वो बुद्ध हो जाते हैं, वो महावीर हो जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों का सेवन करने के लिए मनाही की गई है कि इन सब चीजों का सेवन साधना काल में नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई यदि ये बोलता है कि इसका सेवन करने से आपको पाप लगेगा या आपकी साधना निष्फल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। साधना निष्फल कैसे होगी कि आप जिस चीज की कामना कर रहे थे, उस चीज को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप ईश्वर के निकट नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप ईश्वर के निकट ही नहीं पहुंचे, तो फिर आपको वो चीज प्राप्त कैसे होगी? आज की बात समाप्त, आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।